नमस्कार दोस्तों, मैं हिमाद्री आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इम्परफेक्ट प्लस में। और मेरे पास एक आ चुका है नया हेलीकॉप्टर आरसी स्काई ईगल, और मैं इसको आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। इसका रिव्यू बता दूंगा और इसका क्या प्राइस है, कहाँ से मिलेगा ये भी आप लोगों को इसे बता दूंगा। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को लास्ट तक और जान जाइएगा कैसे इसको उड़ाना है, और मैं थोड़ी देर बाद इसको उड़ाकर भी आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इन मेरे नए वीडियोस और मेरे नए चैनल। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोगों को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बेल आइकन को बिल्कुल दबाइए, क्योंकि मेरा लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं पहले इसमें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको उसकी ओपनिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग। पहले क्या निकलता है कि कुछ गाइडलाइंस और इसका कंट्रोलर भी है। ओके, फिर ओपन करते हैं। यहाँ पर थोड़े गाइडलाइंस है, इसका हमें जरूरत नहीं है, मैं इसको बता दूंगा कैसे करना है। फिर इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर मिल रहा है कुछ कंट्रोलर सेटिंग्स। इसको ये से कुछ एंटेनास है, और इसमें फिर क्या है देखते हैं दोस्तों। शायद चार्जर लगता है, फिर ये चार्जिंग है, और फिलहाल इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन बताते हेलीकॉप्टर का इसको पहले क्या कर रहे हैं। चलिए आ चुका है हमारा हेलीकॉप्टर बाहर, और यहाँ पर थोड़ा ब्लेड वगैरह एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ है, कुछ ब्लेड्स। और चलिए इसका फिगर जरूरत नहीं है, अगर कुछ टूट फिट जाए, अगर डेट टूट जाएगा तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए मेन चीज ये आ चुका है हेलीकॉप्टर बाहर आ चुका है। यहाँ पर कंट्रोलर भी है, हेलीकॉप्टर भी है, और थोड़ा ब्लैक चार्जिंग भी दिया है। इसको आप यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं, चार्ज का पॉइंट शायद नीचे होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर चार्जिंग का पॉइंट है और यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच भी है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर डाल के यहाँ चार्जिंग में लगा सकते हैं। चार्जिंग का टाइम 30 से 40 मिनट्स होगा, और हेलीकॉप्टर आप उड़ा सकते हैं मिनिमम 5 और 6 मिनट तक। ठीक है, और यार कुछ गाइडलाइंस है तो इसमें फिलहाल मैं इसको बता दूंगा, इसको जरूरत नहीं है मेरे को। अभी यह आता है कंट्रोलर, ये ट्रांसमीटर को पहले इसको ऐसे लगा लेते हैं। चलिए दिखा लेते हैं, ये ऑन हो गया मेरा। यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर का फंक्शन है, इसको आप ओपन करके इसमें बैटरी बस सेल लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसमें दिया हुआ है सेल और ये कनेक्शन ओपन है। तो चलिए इसको देखते हैं ओपन करके इसमें। देखिए दोस्तों, लाइट जलना चालू हो गया है, अब इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। देखिए मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ, ये ऐसे उड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा ये इसको उड़ा के दिखा दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर कंट्रोलर की बात करता हूँ, इसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या इसमें आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले इसमें थोड़ा फंक्शन है, ये फंक्शन ये हेलीकॉप्टर को ऊपर उड़ाने के लिए। ठीक है, आप ये है सामने की तरफ बढ़ने के लिए, ये पीछे की तरफ आने के लिए, ये
बैक और ये फॉरवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर एक स्विच है जिसकी तरफ से आप इस हेलीकॉप्टर को लेफ्ट और राइट में घुमा सकते हैं, मान लीजिए कि। और हाँ, यहाँ पर और एक फंक्शन है, देखिए बस स्लो और फास्ट, आप हेलीकॉप्टर को स्लोली स्लोली घुमा सकते हैं, स्लोली उड़ा सकते हैं, और फास्ट करेंगे तो ये जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से नीचे या फिर फास्ट फॉरवर्ड बैक बैक गियर सब में यहाँ पर जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों यार ए बी सी या तीनों बटन है, ये तीनों बटन से हम इसको 3 हेलीकॉप्टर कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने सही सुना, इसमें 3 हेलीकॉप्टर कंट्रोल कर सकते हैं एक बी और सी से, ठीक है। तो चलिए आप नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा इसको कैसे उड़ाना है और उड़ा कर भी दिखा दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए माई न्यूज चैनल, और बेल आइकन को बिल्कुल दबाइए मेरे फर्स्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए नमस्कार।